Dear friends, before you comment negatively about the video, first please watch this video completely and share your thoughts afterwards. Thanks. And God bless all of you. Amen. Hallelujah. Praise God. आज कितने खुश हैं, हालेलुया। मैं अक्सर कहता हूँ यीशु के पास आकर भी हम खुश ना हों तो फिर वो कौन सी जगह जब हमें खुशी ना मिले। आप लोगों को याद है कि आज का हमारा मौजू क्या है, कितने लोगों को मेरी पोस्ट मिली थी, कितने हाथ, चंद हाथ उठे हैं जिनको मेरी पोस्ट मिली। खुदावंद आप लोगों को बरकत दे। और अक्सर मैं कहता हूँ कि कितने लोगों ने इस प्रोग्राम के लिए दुआ की और आज के कलाम को आपने तवज्जो से गौर से सुनना है। और इस वक्त हमारी दो कांग्रीगेशन हैं, एक मौजूदा है जो इस वक्त बैठे हुए हाजिर जमात और दूसरी जो है वो जो हमें फेसबुक पे ऑनलाइन पे ऑनलाइन और यूट्यूब पे हमें देख रहे हैं, तो हम उनके लिए भी खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ और उसकी तमजीद करते हैं। तो हम आज ये दुआ करेंगे। आप लोग कुछ बहनों को मैंने कहा था, फरसीना को और इसी साथ अलविना को, कि आप लोग आशफा हैं उनके साथ और जो भी आप में से कोई भी हवाला जात डालने में पढ़ने में मदद कर सकते हैं तो आप करें। अगर एक से ज़्यादा भी कोई हवाला डाल रहा है तो उसका कोई परेशानी नहीं है, बल्कि आने वाले लोगों तक ये पैगाम पहुँचे और हम अपने हिस्से की क्षमा जलाएँ। और ये मैसेज ऐसा है कि जो एक्सट्रीमली न्यू है और जो आप लोगों ने शायद कभी नहीं इससे पहले सुना, और जो कुछ दुनिया में हो रहा है और बड़े बड़े चर्चेस के अंदर और इस स्पिरिट ने लोगों को अपने कब्जे में किया हुआ है और शायद हम लोग नहीं जानते। इंटरनेट पे आप जाके देखें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे और सोशल मीडिया पे आप जाके देखें, ऐसे ऐसे आवाज़ात काम चर्चेस के अंदर हो रहे हैं, तो हमें आवाज़ बनना चाहिए। तो हम खुदा का शुक्र दें कि कैरिज्मेटिक प्रेयर फेलोशिप के प्लेटफॉर्म से खुदा ने मुझे तैयार किया और ये बोझ दिया कि मैं इस कलाम को आप लोगों तक पहुँचाऊँ। और अक्सर सा जिंदे जो उठ के बाहर चले जाते हैं तो मुझे इस बात का बहुत फील होता है, क्या वो बजाने के लिए सिर्फ आते हैं, क्या कलाम उनको सुनना पसंद नहीं है? तो मैं तमाम सजिंदों से कहूंगा कि वो वापस आके चर्च में बैठें, सिर्फ बजाना नहीं है, हमने कलाम भी सुनना है, पूरी खिदमत हासिल करें। और ये नहीं है कि अपना काम बजाना छोड़ दिया तो हम बाहर चले जाएं, तो ये बिल्कुल गलत है और कलाम के मुताबिक दुरुस्त नहीं है। तो मेरा ये हक बनता है कि मैं गाइड करूँ, क्योंकि खुदा ने मुझसे हिसाब लेना है, तो कोई बुरा इस बात को ना मनाए और मैंने ये बात आप लोगों तक पहुंचाई है। तो एक बार फिर हम अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया। आए खुदावंद, जैसे यसाया कहता है, तूने मुझे शिगिर्द की जबान बख्शी। हालेलुया, तू मुझे अपना शिगिर्द बना ले और अपना कलाम मेरे मुंह में डाल। आज के कलाम के लिए हमें तैयार कर, तू मुझे देता जा और आगे मैं बांटता चला जाऊं। शुरू से लेके आखिर तक तेरा रूप और तेरा ही दबदबा छाया रहे। सारे बहन भाई तवज्जो के साथ खुदा के कलाम को सुने। आमीन आमीन। मैंने एक जुमला भी बोला है कि हम अपने हिस्से की क्षमा जलाते जाएं। हम सोचते हैं कि शायद इतनी बड़ी दुनिया में हम क्या कर सकते हैं। भाई आप बहुत कुछ कर सकते हैं, अगर हम करना चाहें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे सामरी औरत थी, उसने कितने लोगों को जीत लिया, पूरा शहर उसने जीत लिया। शी वाज अलोन, उसकी जिंदगी को अच्छी नहीं थी। तो मैं और आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं अगर करना चाहें। खुदा ने आज सबके पास मोबाइल हैं और टच मोबाइल हैं। मैंने अक्सर कहा था कि अपने मोबाइल साथ लेके आए ताकि मैसेज रिकॉर्ड करें और इस मैसेज को अपने आने जानने वालों तक इस मैसेज को पहुंचाए। और मैंने खास ये मैसेज किया था कि इस मैसेज को वायरल हमने करना है। आप में से कितने हैं जो आज के इस कलाम को दूसरों तक पहुंचाएंगे? कहने सी योर हैंड, और आप लोगों ने हाथ ठाना नहीं बल्कि इसको अमली जामा पहनाना है। अगर मोबाइल लाए हैं तो आप अपना मोबाइल खोल कर उसको रिकॉर्ड करें और दूसरे बहन भाइयों को बताएं कि इस वक्त मैसेज ब्रदर जावेद गिल का शुरू हो चुका है, तो आप ऑनलाइन आएं। हालेलुया। प्रेज गॉड। जाहो बरेकी। और जो वाला पढ़ सकते हैं और जो लिख सकते हैं वाला, वो लिखें, चाहे वो ऑनलाइन हो या यहाँ बैठे हुए हों। लिखा जहाँ पाक रूह है वहाँ पर आज़ादी है। और बेटी जैसिका से मैंने कहा कि जब उनको मैं इशारा करूँ तो वो वीडियो चलाएंगी, ताकि पूरी तरह से मैं जो तैयारी करके आऊँ, जितना मेरी कोशिश है कि थोड़े से वक्त में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचा सकूँ, जो स्पिरिचुअल इन्फॉर्मेशन है। जिसमानी इन्फॉर्मेशन तो हमें मिल
रही हैं, लेकिन रूहानी इंफॉर्मेशन का जो कमी नहीं बल्कि फुकदान पाया जाता है। तो आज का मौजू क्या किसी को याद है? बुलंद बात से बोलेंगे, आखिरी वक्त की निशानियां और कुंडली स्पिरिट। पहले है नंबर वन पे कुंडलानी स्पिरिट, वो क्या है, और आखिरी वक्त की निशानियां। तो मैंने कहा कि दिस इज एक्सट्रीमली न्यू एंड पावरफुल मैसेज। हालेलुया, कैन यू क्लैप फॉर जीसस? हालेलुया, लबा कमहन दो, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड, जाहो बरे की खुदावंत का शुक्र हो। आए हम सीखें कि व्हाट इज कुंडलिनी स्पिरिट। कुंडलिनी स्पिरिट इज अ स्नेक स्पिरिट कॉइल लाइक, जैसे ऐसे स्पाइरल ऐसे ऐसे घूमती है, तो ऐसे ये स्पिरिट है। टुडे पेंटिकोस्टल कैरिज्मेटिक एवेंजेलिस्ट गेट इट दिस पावर थ्रू स्पेशल योगा मेडिटेशन फॉर मेनी डेज टू गेट दिस एनर्जी एंड टू ओपन थर्ड आई। यानी इस काम को हासिल करने के लिए, स्पिरिट को हासिल करने के लिए बहुत दिन तक इनको बैठना पड़ता है, जादू करते हैं और इस कुवत को हासिल करते हैं। और याद रहे कि पहले ये वो लोग थे जो कि सादा थे, कलाम सुनाते थे और कलाम की वजह से मशहूर थे। आज ये रातों रात चाहते हैं कि हम दौलतमंद हो जाएं, और इसलिए देखा देखी जो है उस कुवत को हासिल कर रहे हैं। और ये सब कुछ ये इंटरनेट पे हो रहा है, लोग उसको देख के सीखते हैं। तो लिहाजा हम अपने बच्चों पर भी निगाह करें, हालेलुया, अपनी यंग जनरेशन को बचाने की कोशिश करें। तो मैंने अभी तक क्या बोला कि वो कुंडलिनी की स्पिरिट जो है वो एक बड़ी पावरफुल स्पिरिट है, उसको हासिल करने के लिए, उस पावर को हासिल करने के लिए और थर्ड आई को ओपन करने के लिए ये इस मैजिक को धराते हैं और उसको हासिल करते हुए कई दिन तक बैठे रहते हैं। When the person who is possessed by a kundalini spirit, he gets the kundalini power, फिर उसके अंदर क्या आ जाती है, उस रूह की पावर आ जाती है, यानी वो अपने आप को शैतान के हाथों बेच देता है। फिर आज कितने लोग हैं, अगर आप लोगों के साथ इंटरनेट के साथ बात करो, कितने लोगों ने आए रातों रात दौलतमंद होने के लिए। आप इस फिल्म इंडस्ट्री में चले जाएं, वहां के लोगों को देखें, चर्चेस को देखें जो शैतान के लिए चर्चेस खुले हुए हैं, और बहुत सारे लोगों ने लुमनाटी में आप देखेंगे, बहुत सारे लोगों ने, नौजवान लड़के लड़कियों ने अपनी रूहें शैतान के हाथों बेच दी हैं, और उन्हें कहा कि आपको बलि चढ़ानी पड़ेगी, किसी ना खानदान के किसी का खून बहाना पड़ेगा, और आप दुनिया में देखते देखते दुनिया में अमीर हो जाएंगे। मुझे नहीं पता कितने लोगों को पता है, इसलिए मैं ये अवेयरनेस दे रहा हूँ कि ये सब कुछ हो रहा है। हम अपनी आंखें खोल के देखें कि हम कहाँ पर बैठे हुए हैं, और जो ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं वो बहन भाई भी दूसरे लोगों को बताएं, ताकि आज का मैसेज है वायरल हो सके। हालेलुया, प्रेज गॉड, जय हो बरेकी। व्हेन द पर्सन हु इज पजेस्ड बाय कुंडली स्पिरिट ही टच अदर पीपल बाय हैंड, हाथ लगाते हैं या कपड़ा फेंकते हैं, आपने बहुत सारी वीडियो देखेंगे अभी आप देखेंगे भी, और कपड़ा फेंकते हैं तो लोग तड़पना शुरू कर देते हैं। मैंने क्या बताया, जब वो किसी चीज से टच करते हैं, हाथ लगाते हैं या कपड़े फेंकते हैं या किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ लोगों को टच करते हैं, देन व्हाट हैपन, द पर्सन हु इज पजेस्ड बाय द कुंडली स्पिरिट, दैट पावर व्हेन ही टच्ड, दैट पावर ट्रांसफर टू हिम, वो रूह जो है उसके अंदर क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है। और फिर ये लोग क्या करते हैं, जब उनको पता चलता है, वाम को लोगों को पता चल जाता है, तो ये वो रूहें जो जादू के जरिए पकड़ी होती हैं उनको भेजते हैं, और वो निकलना चाहते हैं लेकिन वो निकल नहीं सकते, और वो लोग जो है उनके काबू में आ जाते हैं। तो हमने इन लोगों के लिए जो फंसे हुए हैं और जो इस कुवत के अंदर हैं, उनके लिए भी हमें दुआ करने की जरूरत है, ताकि वो भी इससे बचें। तो मैंने अभी क्या बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ, कपड़े के साथ या पेन के साथ वो छूते हैं तो लोगों को 440 वोल्ट का झटका लगता है, वो दूर जाके गिरते हैं। What is that? That is the spirit of Satan which is working in our churches abroad and also in Pakistan, also in India. They feel the power, energy unbearable. उनसे बर्दाश्त नहीं होती, जिनके अंदर वो रूह जाती है, strong, very strong and painful, often accompanied by, यानी ये साइंस सिम्ट होती है, जब उनको टच किया जाता है तो क्या होता है वो मैं बता रहा हूँ। वो तड़पना शुरू कर देते हैं, वो शेक बॉडी को, इतना उनके जिस्म की हड्डियां जो हैं वो हो जाती हैं, कड़क हो जाती है, टाइट हो जाती हैं, स्पाजम पेन उनमें होने लगता है, जर्किंग स्पाजम, फॉलिंग बैक, पीछे की तरफ ढाल करके नहीं गिरते तो जबरदस्ती गिराते हैं, शॉटिंग एंड लाफिंग लाइक एनी। ये मैंने इंग्लिश में बताया, अब मैं जल्दी से उर्दू में पढ़ देता हूँ, क्योंकि मैं ज्यादा फोकस उस पर कर रहा हूँ, और हमने 3-4 फ्राइडे से मैंने एंड टाइम को शुरू किया हुआ है, तो ये मजमून भी एंड टाइम का ही है,
और इसके बाद जब मेरी बारी आएगी तो मैं फिर जो स्पिरिट एंड सिलेन का जो बड़ा चक्कर चला हुआ है वो भी आप लोगों के सामने मैं बयान करूंगा। बस आप अपने खादम के लिए, अपने भाई के लिए अपनी दुआओं में मुझे याद रखें, और मेरा ईमान है मैं दुआ करता हूँ जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तेरी खिदमत करता रहूँगा। हालेलुया। और मुश्किल मुश्किल मजामीन आप लोगों के साथ जो नहीं सुने वो आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। मेरा काम ही यही है कि मैं सारा दिन खुदा के कदमों में बैठा रहता हूँ और खुदा के सामने दुआ करता रहता हूँ ताकि मैं कुछ ले के आप लोगों के पास आऊँ। जैसे पालूस कहता है कि मैं जब आऊँ तो नया मकाशवा आप लोगों के पास लेके आऊँ, और बिल्कुल यही मेरी ख्वाहिश होती है जब मैं आप लोगों के पास आऊँ तो नया मकाशवा मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊँ। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। कुंडलनी स्पिरिट क्या है? अब उर्दू में जो बहन भाई इंग्लिश नहीं समझ पाए, लेकिन मैंने तर्जमा तो किया है। कुंडलनी की रूह एक इस्तलाह, एक टर्म है जो क्रिश्माती अकीदे के कुछ वर्जन से मुंसलिक है और शैतानी जबर से मतलब अकाय से वाबस्ता है। कुंडली एक नाग जैसी तवानाई है। जब कोई शख्स मुनासिब योगा की मशकों का अंजाम देता है तो ये रूह एक बेदारी की सूरत में उस जिस्म में बेदार हो जाती है और पूरे बदन उनके को अपने कब्जे में कर लेती है, और उसके बाद जो है उसके नतीजे में ड्रामाई वाकयात होने लगते हैं जिनमें जिस्म से बाहर, यानी जिनको छुआ जाता, कुछ अंदर जो हो रहा है वो तो उनके अंदर हो रहा है लेकिन जो हमें नजर आ रहा है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, और जिस्म से बाहर के तजर्बात मसलन जिस्मानी हरकत असासात फरेबकारी वगैरह वगैरह शामिल हैं। जो लोग कुंडलनी की के शैतानी जबर पर यकीन रखते हैं वो इन असरात का हवाला देते हैं कि इसके बाद वो एक अनोखी शैतानी हस्ती कुंडली की रूह के वजूद को हासिल करते हैं जो अक्सर जहरी रूहानी तजर्बा से वाबस्ता होता है। इस कुंडली की रूह में कुछ लोग बेजा खाम खाई हंसते जाते हैं। अगर आपने देखा होगा फिल्मों में इंटरनेट पर, कुंडली एक रूह है और जो कि मैंने बताया कि किस तरह से ये हासिल होती है। जो लोग कुंडली की रूह पर यकीन रखते हैं ये तजवीज करते हैं कि इन ख्याल के साथ व्यवस्था है इस रूह की तवज्जो और असर को मदाऊ करते हैं, उसकी पावर को। कुछ लोग तजवीज करते हैं कुंडली रूह आमतौर पर दूसरे देवताओं और झूठे उस्तादों और रूहानी खलफशार को तलाश करने के किसी भी लालच की तरफ इशारा करती है। रातों रात मैंने बताया कि जो दौलतमंद होना चाहते हैं ये आपको दिखेगा लुमनाटी पर, जिन्होंने अपनी रूहें बेच दी और उनको कहा जाता है कौन सा मेसन, कौन सा नंबर है, 3 डिग्री तक मेसन बनना चाहते हैं तो फिर आपको ये मशकें करनी पड़ेंगी, और उनको सिखाया जाता है और बताया जाता है और आप रातों रात दौलतमंद हो जाएंगे। तो लोग इसके पीछे जो आज इंसान क्या चाहता है, रूह भले जहन्नम में जाए लेकिन दुनिया में दौलत हासिल करनी है, तो हमें बड़ा होशियार होना है। इस आखिरी तशरी में एक गहरी सितम जरीफी है। अपने आप में शयातीन और शैतानी जबर के लिए ये नुक्ता नजर एक गैर बाइबली अमल है। समझ गए कि ये जो कुछ कर रहे हैं ये गैर बाइबली अमल है, इसमें बाइबल का कोई अमल दखल नहीं है। वो कुछ चंद याद इस्तेमाल करते हैं, वो भी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगर थोड़ा टाइम हो जाए तो आप मुझे बर्दाश्त कीजिएगा, मेरी कोशिश तो है कि मैं अपने टाइम में रहते हुए उनको खत्म कर सकूं। कुंडली के की रूह एक अफाल दूसरी रूहों को के रवैये से मुताबकत रखते हैं, यानी ये रूह जो है दूसरी रूहों के साथ एक जैसी मुशाबत रखती है। मिसाल के तौर पर वो कौन सी है, लेवोथीन समझते हैं आप क्या, नाग सांप अजहा, तो ये उस कुवत को अब हिसाब लगा ले, इसका मकाशवा 13 बाब में इसका जिक्र आएगा। तो अब मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं पूरे खोल के उसको जो है मैं बयान कर सकूं। तो लेवोथीन किसको कहते हैं, अजहा को, पुराने सांप को, उस जैसी कुवत इनको मिल जाती है। और जेजिबल स्पिरिट तो आप सब समझते हैं, जिसका मकाशवा 2 बार में जिक्र है, पुराने आदरे में जिक्र है, खयाब की बीवी थी और उसकी जो है गंदी हरकत का जिक्र है, और ये लोग इंजॉय करते हैं, ये जो स्पिरिट है उनको जो है सेक्सुअल डिजायर उनके अंदर पैदा करती है। और जितने बड़े बड़े ये खादम है वो कहीं ना कहीं घिरे होते हैं, मतलब कहीं ना कहीं किसी स्कैंडल में पाए जाते हैं, जैसे लेवथिन की स्पिरिट, जेजिबल की स्पिरिट और वाटर स्पिरिट।
स्पिरिट। आप कहेंगे वाटर स्पिरिट का नाम हमने नहीं सुना। वाटर स्पिरिट क्या है? शेप शिफ्टिंग वाटर स्पिरिट, यानी अपनी शेप को क्या करके तब्दील करके चेंज करके इंसानों के अंदर घुसती है। तो अब मैं आ जाता हूँ जन, जो आप बेटे जसिका आप खड़े हो जी, पहली जो है वीडियो यहाँ सामने आ जाए। ये कुछ लोगों को कला में किया गया है और जो देख सकते हैं देखें, दुर्गम कर पहली जो है ग्रैंडफादर पीटर पॉप ऑफ, वही सारी हरकतें जो ये स्टेज के ऊपर करते हैं, लोगों को गिरा देते हैं, बिजली के झटके लगाना, उसके अलावा उनके अंदर से बदरूहों को निकालना, बीमारों को चंगा करना, हील करना, ये सारी चीजें, जितनी चीजें ये आपको स्टेज के ऊपर दिखाते हैं वो सारी की सारी चीजें ये शख्स 1980 की दहाई में करता रहा। आज से 40 साल पहले वो सब कुछ ये स्टेज के ऊपर कैमराज की मदद से 24-24 कैमराज इसके ऊपर लगे होते थे, बिल्कुल उसी तरह से जैसे ये अपनी सर्विसेज के अंदर 24-24 25-25 कैमराज लेके जगह जगह जो है वो कवर कर रहे होते हैं, वही सब कुछ ये दादा अबू जो है वो कर चुके हैं। और इनको 2 दफा नहीं 3 दफा एक्सपोज भी किया गया, उसके बावजूद ये शख्स अभी भी लोगों को उसी तरह से बेवकूफ बना रहा है। और मुझे हैरत होती है कि आज के इंफॉर्मेशन के दौर के अंदर जब ये इतनी बुरी तरह से 3 बार एक्सपोज हो चुका है, उसके बावजूद लोग इसका गेड़ा क्यों नहीं छोड़ते। उसकी भी रीजन मैं आज आपको वीडियो में बताऊंगा कि इनका गेड़ा भी लोग नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि बड़ी हेल्पलेस किस्म की सिचुएशन है। बेशक खुदा आजाद कर सकता है और खुदा इनसे आजाद करेगा लोगों को, लेकिन ये तभी मुमकिन होता है जब किसी की स्पिरिचुअल आंखें, रूहानी आंखें खुल जाएं और वो डिसर्मेंट कर सके, वो पहचान सके कि कौन सही है और कौन गलत है, क्या चीज सच्ची है क्या चीज झूठी है। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि जो नबी अपने मुंह से ये कहता है कि खुदा मुझे ये कह रहा है कहने के लिए और वो चीज नहीं होती है, तो आपको उससे बिल्कुल भी खौफ नहीं खाना है। इनकी बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि पूरी नहीं होती हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं ये अपने मुंह से नाम नहीं लेते हैं ताकि कहीं आगे चलकर ये फंस ना जाएं, बहुत इनके टैक्टिक्स हैं। Call him the prophet who prophets. 20 years ago, Peter Popoff was a televangelist who just declared bankruptcy after his preaching methods were exposed as a fraud. Now our Inside Edition investigation reveals he's back, and as Matt Mahar reports, his style of living is better than ever. Lord, anointing and power flow through our sister now. He claims he's a healer, that the power of God flows through him and can cure whatever ails you. And you! He's the televangelist Peter Popoff, appearing on infomercials seen across the country. He claims he can perform miracles. What happened to the pain? It's gone. And Popoff doesn't just heal your body. He says he can heal your wallet, too. I'll never be broke another day in my life. ये शख्स ना सिर्फ आपको जिस्मानी तौर पर हील कर सकता है, बल्कि ये आपके बैंक अकाउंट को भी हील कर सकता है, आपके फाइनेंसेस को भी हील कर सकता है, ऐसा ये दावा करता है। लेकिन ये कोई पहली दफा नहीं है कि ये टीवी पर आया है, यानी कि न्यूज में आ रहा है, क्योंकि आज से कुछ साल पहले 80 की दिखाई में इसको एक शख्स था जिसका नाम था जेम्स रैंडी। ये एक कैनेडियन अमेरिकन जादूगर था, जो कि जादूगर जो ट्रिक्स करके जादू नहीं करते, ये वो वाला शख्स था, और एक ऑथर था। इसने इसके सारे टैक्टिक्स को एक्सपोज किया कि कैसे ये जादूगरी के अंदर इस्तेमाल होने वाले जितने भी टैक्टिक्स होते हैं या सीक्रेट्स होते हैं वो इस्तेमाल करके लोगों को बेवकूफ बनाता रहा है। Popoff was exposed as a fraud. And we picked up something interesting. The expose was carried out by this man, well-known skeptic James Randi. Popoff claimed God spoke directly to him, and he seemed... पॉपऑफ कहता था कि भाई खुदा डायरेक्टली मुझसे बात करता है, जिससे भी उसने हील करना होता था, और ऐसा लगता था कि वाकई खुदा इससे बात कर रहा है। To know everything about the people attending his... और ऐसे लगता था कि इसको सब कुछ पता चल जाता है, जो कोई भी इसके क्रूसेड्स के अंदर आते थे लोग, उन सब के बारे में इसको सब कुछ पता चल जाता। Crusades, including their health problems. But Randy took a scanner to some of Popoff's crusades and picked up radio transmissions. Turns out, the voice Popoff heard wasn't God's, but his wife's. ये इसकी बीवी की आवाज है जो अभी आप सुन रहे हैं, वो बोल रही है, वो कह रही है मैं तुमसे बात कर रही हूँ, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? अगर तुम मुझे नहीं सुन सकते हो तो तुम ट्रबल में पड़ जाओगे, यानी कि तुम मुश्किल में पड़ जाओगे। You see, Popoff's wife Elizabeth had previously gotten personal information from people in the audience and then fed it to her husband electronically through a tiny earpiece. अच्छा, ये क्या करते थे, पहले उनसे फॉर्म फिल करवाया जाता था, सारी इन्फॉर्मेशन उसकी लिख लेते थे कि आपको क्या तकलीफ है, आप किसके लिए दुआ करवाना चाहते हैं, अपने लिए, अपने किसी रिश्तेदार के लिए, क्या बीमारी है आपको,
सारी इंफॉर्मेशन, उनके घर का एड्रेस वगैरह सब कुछ लिख लेते थे, और पीछे बैठी हुई इसकी जो बीवी होती थी वो इसके कान में एक ईयर पीस लगा होता था जिसके जरिए रेडियो फ्रीक्वेंसी से, क्योंकि नजर तो कुछ आ नहीं रहा कि कौन इसको बता रहा है कान में, तो वो इसकी बीवी होती थी जो कि पीछे से बोल रही होती थी। और इस सीन में आप देख सकते हैं कि कैसे जोड़ी दीन, आप देख सकते हैं अभी उसकी बीवी ने बोला है जोड़ी डीन, और वही सेम नाम ये शख्स ले रहा है। आप वो बता रही है कि ये 4267 मास्टरसन जो रोड है वहां पर रहती है। नोट कीजिएगा कि यही सेम चीजें बोलेगा पीटर पॉपऑफ। 4267 Masterson, I can see the angels of God all around your house. That's disturbing when you see it. After the scam was exposed, Popoff dropped out of sight and declared bankruptcy in 1986. जैसे ही ये एक्सपोज हुआ है तो 1987 के अंदर इसने बैंकरप्सी फाइल की कि भाई मैं तो दिवालिया हो गया हूं, मेरे पास कुछ भी देने के लिए नहीं। Can I speak to God, please? Oh God, so good to talk to you. Yeah, this is Joyce down here. If you activate this dimension of energy, other dimensions of life will open up. One thing is, are you ready for those dimensions? AKA, are you ready to be possessed by forces in the spiritual realm? How's all this stuff gonna, What? Oh, you want me to read the word? Easier, because you know that being led by the spirit stuff, you gotta go now? Keep watching, because you or your church may have opened the door to these unclean spirits. Opportunity. Try my wig. Well, tell me about it. I don't care. Y'all don't think this is my hair, do you? Do you think the woman with the issue of blood cared about her hair? Do you think the woman with the issue of blood cared about what she looked like? The woman, all right, I'm about to take it off. It ain't never. It ain't never. And dear God, I remember laying in my office floor, literally holding on to the legs of the furniture to keep from running away from God. God was trying to get me to submit to Dave about something. And I just thought, I cannot do this. I cannot do this. God! Satan runs many churches today, yet many people are so blind spiritually that they don't see it. Instead, these gullible churchgoers continue to associate themselves with churches that are under the direct control of Satan. And it is, and the territories under which the Canadian office is. Sigamo. Tevrema humbo breves dies to cinema hantetke. But it gets even worse. Screaming for no reason, and you call this church? Many churches are nothing more than circus shows where people go to get entertained and not hear the gospel of Jesus Christ. This is why God commands us to contend for the faith. If we don't, those who are deceived may never know they're being misled by wolves in sheep's clothing, whose ultimate aim is to devour the sheep and make merchandise of them. No single verse in the Bible supports this type of strange behavior. The sad reality is that many attribute these demonic practices and displays to the Holy Spirit. However, there is not much difference between these unsettling behaviors, which you find in many charismatic churches, and Kundalini yoga.
Kundalini yoga is a spiritual practice that involves awakening a dormant spiritual energy or demons, and the similarities between its manifestations and those in some churches are striking. Watch this. Marilah kita selalu tertawa untuk diri, untuk orang lain, tertawa untuk keluarga, masyarakat, dunia, dan negara. मैंने आप लोगों को बताया कि व्हाट इज कुंडलिनी स्पिरिट और किस तरह जे लोग उसको हासिल करते हैं, ये आप लोगों से मैंने जिक्र किया। अब ये बयान करते हैं, बाइबल में से कुछ वाला जाते लेते हैं कि ये चीज जो जो वाले हैं ये हमारे लिए हैं। अब कौन सा वाला, ये आप लोग जिनके पास बाइबल है निकाल लें, लिख भी लें। फर्स्ट करंथियन चैप्टर 2:9, पहला करंथियों 2 उसकी नामियत, पहला करंथियों 2 नामियत, और दूसरा वाला इसके साथ निकाल के रखें, ये मैं पढ़ देता हूँ, और यसाया 64 उसकी 4 आयत, अजाया 64:4, यसाया 64 उसकी 4 आयत, पहला करंथियों 2:9 आयत, फर्स्ट करंथियन चैप्टर 2:9, बल्कि जैसा लिखा है वैसा ही हुआ। अब वर्ड पर गौर करें, जैसा लिखा है यानी कहीं पहले पुराने आदन में लिखा गया है, जहां ये लफ्ज आता है ना जैसे लिखा है, तो ये इसका मतलब ये है कि कहीं पुराने आदन में ये लिखा गया है। जो चीजें ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना आदमियों के दिल में आई, वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत करने वालों के लिए तैयार कर दी। तब इस वर्ष को जो है, जो नए वेंजलिस्ट हैं, जो कि कुंडली स्पिरिट के जो अंडर पोजेस्ड हैं, तो वो इस वर्ष को इस्तेमाल करते हैं कि ये तो लिखा हुआ है, जिसको ना आंखों ने देखा ना कानों ने सुना, खुदा ने तैयार कर दिया, तो ये चीजें है ही नहीं है, ये आप कहाँ से जानेंगे, हम तो ये बाइबल का ये हवाला देते हैं। तब मैं इसको एक्सप्लेन करने लगा हूँ, वो सर लोग मेरे भी खिलाफ हो जाए, लेकिन ये है कि हमने सच्चाई को बयान करना है। हमने जैसे पालूस कहता है, मैं आदमियों को खुश नहीं करता बल्कि खुदा को खुश करता हूँ, और दुआ करें कि खुदावंद खुदा हमारे ग्रुप में ऐसे सच्चे लोग लेकर आए, ईमानदार लोग लेकर आए, जो रूह से भरे हुए हों और रूह से खुदा गरमाए गए हों उनके दिल, और हम रेगुलर आए, ये नहीं कि एक फ्राइडे आए दूसरे फ्राइडे आना बंद कर दें। आपको इसी तरीके के साथ नए नए मैसेज जो है, नई नई खुराक मिलती रहेगी। जाया 64:4, यसाया 64 उसकी 4 आयत। अब ये उस वर्ष की जो पालूस रसूल नए अदन में बयान कर रहा है, उसने यसाया की किताब से बारो की है, और वो यहाँ पर बयान कर रहा, मेरे साथ ये थक ना जाइए। जिस वक्त तूने मुहीब काम किए जिनके हम मुतकरर ना थे, तू उतर आया और पहाड़ तेरे हुजूर। दोबारा से सुने, दोबारा से पढ़ें। जिस वक्त तूने मुहीब काम किए जिनके हम मुतनफर ना थे, यानी अजीब काम किए ना थे, तू उतर आया और पहाड़ तेरे हजूर कांप गए, क्योंकि इब्तदा ही से ना किसी ने सुना ना किसी के कान तक पहुंचा। इब्तदा ही से ना किसी ने सुना, तो ये इसका वाला दे रहे हैं, तो ये तो पुराने ऐदनामे की बात है कि जिसको ना किसी ने सुना, आगे ना कानों ने, ना किसी ने सुना, ना किसी के कान तक पहुंचा, हाँ। और ना आंखों ने तेरे सिवा, हाँ। ऐसे खुदा को देखा जो अपने इंतजार करने वालों के लिए कुछ कर दिखाए। आमीन आमीन। तो क्या है कि ये वर्ष अबदियत में लेके जा रही है हमें, और ये बात कर रहे हैं कि ये तो मतलब हम कहां से दिखाएं। हाँ, अक्सर लोग कहते हैं अभी बाइबल में तो ये लिखा नहीं, जो लोग पीछे गिरा रहे हो, तो ये कहां लिखा हुआ है, तो ये वर्ष बता देंगे उनको, ये कहां लिखा है कि भी आप राइटिंग के ऊपर हाथ रखे तो गिर जाएंगे, ये कहां लिखा है कि लोग जो है गिर जाएंगे और लौटपट होंगे, और झटके मार मार नहीं गिरते तो झटके मार मार गिराते हैं, लेकिन लोगों का भी क्या करें, लोग भी नहीं सुनते, और वो भी भाग भाग के ऐसे उन्होंने उनको जो है दीवाना कर लिया अपना, कि कहते जो कुछ ये यही है सब कुछ, और हमें ये ऐसे जैसे जो किसी को जो जो होते हैं ना ब्राउन पूंड को, क्या इंग्लिश में कहते हैं ब्राउन पूंड, उन्होंने पंजाबी चाहते ने, तो वो काटता है ना, तो फिर इस तरह वो शैतानी कुवत उनको काटती है, तड़पते हैं, और आप मुझे
जो मेरे साथ एडिट हैं आप मुझे मैसेज करें, मैं सारी वीडियो आप लोगों को भेजूंगा, ताकि आज का मैसेज जो है आप लोग घर जाके, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने हिस्से की क्षमा जलाएं, जरूर अपने प्यारों को भेजें, जानने वालों को भेजें, ताकि पूरी वर्ल्ड में बाहर के मुल्कों में लोग हैं उन तक इस पैगाम को पहुँचाएं, क्योंकि ज़्यादा बिदतें जो है बाहर से आती हैं। तो ये वर्ष उनके लिए नहीं लिखी गई जो ये कहते हैं कि कहाँ, जो मैं ये काम कर रहा हूँ, कृष्णमाती काम कर रहा हूँ और मेरी हाथ रखने से लोग गिर रहे हैं, तो ये कहाँ, ये तो वर्ष लिखा है कि जो बातें नहीं सुनी और कानों ने नहीं सुनी और ना आंखों ने देखी हैं, तो ये तो लिखा है, ये तो वर्ष हमारे लिए है। तो मैंने उन लोगों को जो ये कहते हैं कान खोल के सुन ले कि ये भाई आपके लिए नहीं है, ये कलाम ईमानदारों के लिए है जो रूल कुदरत से मामूर हैं, जिसका खुदा लिखा ही से खुदा ने बंदो, ये अबदियत हमें ठा के इस जमीन से ले जाती है, अबदियत में ले जाती है, ये अबदियत की बातें हो रही हैं, और जिसमें जो है अबदियत की बातों में खुदा का जमीन पर आना, उसका कफारा और उसकी मौत और उसका जी उठना और रूल कुदस का नाजल होना पाया जाता है। उम्मीद है कि जो मुझे सुन रहे हैं वो इससे आय से जो वो पेश करते हैं इससे वाकफ हो गए हैं। एक और वर्ष पढ़ दें जो अक्सर ये जो कुंडली स्पिरिट के जो से पोजेस्ड हैं, जो ये उल्टे सीधे काम करते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, ये दो वर्सेस खास वो पेश करते हैं। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील 14:12, मुकद्दस यूहन्ना की अंजील 14:12 उसकी 12वीं आयत। बस मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मुझ पर ईमान रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, बल्कि इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं बाप के पास जाता हूँ। थैंक यू। तो अब यहाँ पर आपने देखा, क्योंकि मैं बाप के पास जाता हूँ और तुम मुझसे भी बड़े बड़े क्या करोगे, जो मुझ पर ईमान लाता है जो काम मैं करता हूँ वो भी करेंगे, बल्कि उनसे भी बड़े बड़े काम करेंगे। तो इन कामों का ताल्लुक जो है रूल कुदस से है। अगर आप पढ़ना चाहें यूहन्ना की अंजील 16:12 उसकी 12 और 13, और भी अगर पढ़ना चाहे तो जल्दी आप निकालें, एक आदमी पर भरोसा न रखें, और मैंने दोनों बहनों को बिठाया हुआ है, हाँ जो भी निकाल लें, जो पहले निकाल लेता है वो पढ़े, ताकि हम टाइम सेव कर सकें। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील 16:12-13, हाँ ठीक है, थैंक यू सिस्टर, लेकिन आपको ये आपकी बात इस माइक में नहीं गई, तो जो माइक के आगे बैठे हैं वो उसको पढ़ें दोबारा से। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहना है मगर अब तुम उनकी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब एक मिनट, मुझे और भी तुमसे बहुत सारी बातें करनी है लेकिन अभी तुम्हें उसकी बर्दाश्त नहीं है, मेरे साथ रहिएगा। लेकिन जब वो यानी सच्चाई का रूह आएगा, वो जो सच्चाई का रूह आएगा, रूल कुदस यीशु मसीह ने भेजा, तो तुमको काम सच्चाई की राह दिखाएगा। तो ये थैंक यू, ये वर्ष को आप घर जाके पढ़ लेना, और मुकद्दस यूहन्ना के झील का हवाला मैंने दिया 16:12-13 तक। तो खुदामंद खुदा ने ये कहा कि मुझे तुमसे और भी बातें करनी है लेकिन अभी तुम्हें तौफीक नहीं है, इस काबिल नहीं कि वो बातें जाहिर करूं। हालेलुया। जब यूहन्ना अरफा जीरा पतमस में डाला गया, सबसे लंबी उम्र में डाला गया और सबसे लंबी उम्र उसने पाई, और वो बातें जो खुदा ने कही थी कि अब तुम्हें बर्दाश्त नहीं है, तो खुदा ने वो मकाशफा क्या कर दिया, उस पर जहर कर दिया। आज ये कुंडली स्पिरिट वाले क्या करते हैं, किस बात का हवाला देते हैं, क्या उन्होंने कभी मकाशफा लिखा है, क्या उन पर कभी मकाशफा की किताब आई है? तो लिहाजा इसके अंदर स्पिरिट ऑफ सलेन भी आ जाता है, लेकिन उसको मैं टच नहीं कर रहा। फिर जब मेरा मजमून होगा तो फिर मैं उस बात को बयान करूंगा। ये है वो बड़े बड़े काम, और मैं चाहता हूं कि ये खुदा के वसीला से, रूल कुदस के वसीला से, या मसीह यसु यूहन्ना की अंजील में कह रहा है कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे, क्या आप सब मेरे साथ हैं? तो अब जब रूल कुदस नाजल हुआ तो कितने लोग, और सिर्फ किसका वास था, कौन वास कर रहा था? पतरस। और सुन कितने रहे थे, 12 ममालक वाले, और क्या कह रहे हैं वो, ये क्या हुआ चाहता है, और ये आदमी बोल रहा है और हम अपनी जबान समझ रहे हैं, ये आज तक किसी लूमनाटी वालों ने या ये जो कुंडली स्पिरिट डाले हैं, मैं उनको चैलेंज करता हूँ कि आपने कभी ऐसा काम बड़ा किया है कि आपके दरमियान बेशुमार कौमियत के लोग बैठे हों और आप कलाम सुना रहे हों और आपके वसीला से बहुत सारे लोग ये समझें कि ये तो मेरी जबान बोल रहा है। अरे भाई आप कैसे कह सकते हैं कि बड़े बड़े काम हम कर रहे हैं, कभी ये यीशु मसीह के दौर में तो ये वो
कोठी था, स्पीकर नहीं था और माइक नहीं था। अगर यीशु के पास ये कहते हैं बड़ा काम कि हमारे पास 20-20 कैमरे लगे होते हैं और ये कैमरों के बगैर जाते ही नहीं है और कैमरे अपनी तरफ इन्होंने लगाए होते हैं, और अगर यीशु के पास कैमरे होते तो वो ज्यादा लोगों तक रीच कर सकता था। लेकिन खुदा का अपना कलाम वो 5-5 हज़ार तक उसकी आवाज गई, 5-5 हज़ार लोगों ने कलाम सुना। तो कहते हैं इससे अगर स्पीकर उनके पास होता और ये चीजें उनको इलेक्ट्रॉनिक चीजें मुहैया होती तो वो ज्यादा काम करते, लिहाजा हमारे पास ये चीजें हैं और इसलिए ये हम उनसे यीशु से बड़े हैं। अफसोस की बात है। तो अब मैं ये कहता हूँ कि आप लोग ज़रूर जिनको आप जानते हैं उन तक इस पैगाम को पहुँचाएँ, हम अपने हिस्से की शमा जलाते चले जाएं। मैं तुमसे सच कहता हूँ जो मुझ पर ईमान रखता है जो काम मैं करता हूँ वो भी करेगा बल्कि उनसे भी बड़े बड़े काम करेगा। अब हम आ जाते हैं कि यीशु तो गलील के इलाके से बाहर गया ही नहीं है, तो पूरी दुनिया में उस वक़्त चंद खुदा यीशु मसीह के दौर में चंद हज़ार क्रिश्चियन थे। पहले सबसे पहले जमात क्रिश्चियनों की कितनी थी जल्दी से बोले अगर पता तो, 120 की थी। फिर कुछ दिनों के बाद 10 दिन के बाद कितनी होगी, 3000 हो गई। फिर 3000 से कितनी होगी, 5000 हो गई। पर यीशु मसीह के दौर में जो है लाखों 1 लाख के करीब जो है या इससे कम लोग थे, इससे ज़्यादा नहीं थे। आज पूरी वर्ल्ड में क्रिश्चियन सबसे ज़्यादा है। हालेलुया, कैन यू क्लैप फॉर जीसस, हालेलुया। तो हम देखते हैं कि ये किसकी वसीला से हुआ, जब रूल कुदस आएगा, और जब रूल कुदस आएगा तो हम कुवत पाओगे और तमाम दुनिया में मेरे गवाह ठहरोगे। ये तो एक जगह खरीद लिया, प्रे टावर बना लिया भाई, उससे बाहर निकलना ही नहीं। यीशु मुख्तलिफ जगहों पर गया तो लोग खुद खुद उनके पीछे पीछे गए। यीशु ने कोई इश्तिहार नहीं बांटा, समझ रहे हैं, कोई पोस्टर बड़े बड़े दीवारों पर नहीं लगाए, बसें नहीं लगाई, लोगों को खींच खींच के लो आज जो क्रूसड माफिया है जो लोगों को खरीदते हैं और बाहर से बुलाते हैं, और एक वो टैटू वाला जो आया था जिसने YMCA में प्रोग्राम किया था वो भी एक्सपोज, वो भी इन लोगों को हमारे लोगों को पता नहीं है, वो डॉलर चाहते हैं, और वो भी ऐसा हुआ जो कुंडली स्पिरिट के वो अंडर काम कर रहा था। तो हम तो लोग मोहजात के पीछे भागते हैं। मेरी बहन मेरे भाई, मोहजात के पीछे ना भागें। मोहजात नहीं किसी को बदलते, अगर मोहजात बदलते तो सबसे ज्यादा कौम बनी इसराइल में मोहजात हुए, वो बात बात पे जो है अड़ जाते थे। हमारे ग्रुप में बेशुमार मोहजात हुए, मैं उस तरफ नहीं जा रहा। मैं चाहता हूं कि इन लोगों को आप ज़हनियत देख लें कि ये कहते हैं कि हम खुदावंद यीशु मसीह से भी, क्योंकि जो उसके पास चीजें नहीं थी जो बड़े बड़े काम करने, ये हम कर रहे हैं। अबे तू कौन होता करने वाला, ये तो खुदा का रूह है जो खुदा ने दिया है वो कर रहा है। और उसने मसीह यीशु ने इश्तिहार नहीं दिया, ना पंपलेट बांटे, ना कोई और काम किया, और जहां जहां वो गया लोग खुद बखुद उसके पीछे आए। सही है या गलत है, एग्री? तो अब क्यों लोग उसके पीछे आए, वाई? कुछ जवाब दे सकता है, वाई? बिकॉज ही वाज अनॉइंटेड वन, और मसा लोगों को अपनी तरफ क्या करता है, खींचता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप लोग इंजॉय कर रहे हैं? हालेलुया, मुझे भी खुदा ने नया मसा दे दिया, नई पावर दे दी है। मैं इतनी जोर से बोल नहीं सकता जितना मैं पावर से कलाम सुना रहा हूँ। ये सब आप लोगों की दुआओं का नतीजा है। मैं कहता हूँ कि आप लोग जरूर दुआ किया करें तमाम खादमों के लिए और इस छोटे से अकीर खादम के लिए भी। तो अब हम देखते हैं ये बड़े बड़े काम मैं बता रहा हूँ जो शागिर्दों ने बड़े बड़े काम किए, और उसके बाद हमने देखा कि कलाम पूरी दुनिया में फैला दिया, और कलाम फैलाने के बाद जो काम हुए, अगर आप चले जाए इमाल की किताब उसके 19 बाब 17 से 20 तक, इमाल 19 बाब, ये पूरा चैप्टर पढ़ने के लिए लेकिन सिर्फ 2 वर्सेस मैं बता रहा हूँ, 19 बाब उसकी 17 से 20 है तक, जो बहन भाई फेसबुक पे यहाँ पर हैं हमारा जहाँ डाल रहे हैं वो जरूर हेल्प करें ताकि बाद में आने वालों को बरकत मिले। अगर एक से ज्यादा कोई डाल रहा है तो कोई मसला नहीं है, अच्छी बात है, हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। तो जब भी आप आते हैं खुदा के लिए अपना मोबाइल साथ जरूर लाया करें आप। बाकी चर्चे में तो लोग मना करते हैं लेकिन मैं खुद आपको कह रहा हूँ कि अपना मोबाइल लेके आया करें और उसको खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल करें। तो लिखा है कि जब पालूस रसूल इफिसस में गया और उसने वहां जाके मनादी की, तो उस मनादी का असर क्या हुआ, जादूगरों ने तौबा कर ली। हालेलुया,
जादूगरों ने तौबा कर ली, ना सिर्फ उन्होंने तौबा की, क्या कर लिया, अपने जादू की किताबें भी जला दी। क्या ये बड़ा काम नहीं है? क्या आज ये कुंडली स्पिरिट वाले ये काम कर रहे हैं? इसको कहते हैं बड़ा काम। वक्त भाग रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ वक्त के साथ, मैं भी भागने की कोशिश कर रहा हूँ। और उसके बाद हम देखते हैं मसूल लेने वालों की जिंदगियां बदल गई। इसका हवाला भी अगर आप नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं, लूका 3:10-14 तक, लूक गॉस्पल ऑफ लूक चैप्टर 3:10-14। मसूल लेने वाले बदल गए, सिपाही बदल गए, और बहुत सारी जिंदगियां यीशु मसीह के पास आकर कहने लगी उसकी तालीम से और शिगिर्दों की तालीम से, और ये काम हुए। और उसके बाद ये जो कहते हैं कि बड़े बड़े काम, एक बड़ा काम मैं आपको बताने जा रहा हूं, दूसरा करंथियों 12:2-4 है तक, 2 Corinthians 12:2-4, दूसरा करंथियों 12:2-4 है तक, यहाँ ये लिखा है कि मैं यकायक तीसरे आसमान पर उठा लिया गया, पौलुस रसूल कह रहा है, और वहां जाकर ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और सुनने की नहीं है। और ये कह रहे हैं ये हवाला, ये इसके ऊपर आके फिट हो रहा है कि ये हवाला तो हमारे लिए, ये जना कानों ने सुनी ना आंखों देखी, पौलुस रसूल आसमान पर गया, इनमें से कौन आसमान पर गया? क्या आप में से कोई मुझे सुन रहा है, लूमनाटी के लोग या कुंडली स्पिरिट वाले या पीछे गिराने वाले और जो लोगों को अजियतें देते हैं, अगर आप में से कोई सुन रहा है तो ये कलाम आप सुन ले। क्या आप कभी तीसरे आसमान पर गए हैं? क्या आप कभी फरदोस में गए हैं? आप क्यों इस वर्ष को गलत अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? जगह जगह तीसरे आसमान पर चला गया। हालेलुया, खुदावंद का शुक्र, उसकी तारीफ, उसकी तमजीद हो। अब आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ, गुनाह माफ करने का इख्तियार शिगिर्दों को दिया गया। आप कहेंगे भाई ये क्या बात है, मैं आप इसको साबित करने लगा हूँ। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील में ये चाहूंगा ये हवाला खुद पढ़ दें, क्योंकि मैं खुद आप पढ़ रहा था ताकि जल्दी वक्त को मैं कवर कर सकूं। गॉस्पल ऑफ जॉन चैप्टर 20:12-23, 22-23 तक। क्या आप साहब मेरे साथ हैं? तालियां बजा के बताएं मेरे साथ हैं। हालेलुया। पतरस ने उसे देखकर यीशु से कहा, आए खुदावन, इसका क्या हाल होगा? यीशु ने उससे कहा, गरचे मैं चाहूं कि ये मेरे आने तक ठहरा रहे। नहीं नहीं बेटे, नहीं, यूहन्ना की इंजील 20 बाब उसकी 22-23 तक। अच्छा। और ये कहकर उन पर फूंका और उनसे कहा, रूल कुदुस लो, जिनके गुनाह तुम बख्शो उनके बख्शे गए हैं, और जिनके गुनाह तुम कायम रखो उनके कायम रखे गए हैं। थैंक यू। आप में से कितने लोग हैं, ये बड़ा मुश्किल हवाला है। खुदावन ने अपनी जबान मुबारक से उनसे कहा और फूंका, और ताकि तुम रूल कुदस क्या करो, हासिल करो, और जिनके तुम गुनाह मुआफ करोगे मुआफ होंगे, और जिनके मुआफ नहीं होंगे तो वो उनके गुनाह क्या किए जाएंगे, कायम किए जाएंगे। आप लोग क्या जवाब दे सकते हैं? बहुत मुश्किल बात। क्या ये इंसानों के पास इख्तियार है गुनाह माफ करने का? नहीं। अब सुनिए, इसको कहते हैं मकाशफा। अब मैं बाकी मैसेज छोड़ दूंगा इसी हवाले, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं नहीं चाहता आपको थकाना और खुद भी थकना नहीं चाहता। तो कभी मौका हुआ तो अगला पार्ट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो अब हम देखते हैं कि खुदा ने उनको गुनाह माफ करने का, मैं कह रहा हूं, इख्तियार दिया। दुनिया कहती नहीं दिया, मैं कहता हूं दिया। क्यों दिया? क्योंकि खुदावन इस कलाम को ग्रीक के लिए दो लफ्ज इस्तेमाल किए गए, कौन से? रेमा और लोगास। और अब खुदावन यहां पर क्या लफ्ज ग्रीक का इस्तेमाल कर रहा है? रेमा। रेमा की डेफिनेशन क्या है? कहता हुआ कलाम, मखसूस लोगों के लिए, मखसूस वक्त के लिए। तो अब खुदा रेमा दे रहा है, तो इसलिए मैं वाशगाफ लफाज में कह रहा हूं कि उनको गुनाह माफ करने के अख्तियार में, लेकिन सबको नहीं। अगर आपको खुदा ख्वाब रोया में बताता है कि जा फलां शख्स के पास, अब मैं इस बात को खोल के बताना चाहता हूं, आप गुनाह माफ करने की बात मैं कर रहा हूं और रेमा की बात कर रहा हूं। आप कलाम मुकद्दस में मत्ती 14 रोज की जो है, मत्ती 14 में आप चले जाएं और उसकी जो है आखिरी 28-29 आयत को जो है आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो जब रात को उन्होंने समझा यीशु मसीह आ रहा था कश्ती पर, उन्होंने भूत समझा। यीशु ने कहा कि डरो मत, मैं हूँ। पतरस ने क्या कहा? अरे खुदावंद, अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। हालेलुया। उसने कहा, आ पतरस, कश्ती से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा। थैंक यू। तो अब हम देखते हैं कि पतरस पानी पे तैर रहा है, और ये लोग जो कहते हैं कि हम बड़े बड़े काम कर रहे हैं, तो क्या ये पानी पे कभी तैरे हैं? बोलिए यस नो, जोर से आवाज आनी चाहिए। मैं गोरा कब्रिस्तान में कलाम नहीं सुना रहा, मैं इतना जोर लगा रहा हूँ, मेरा पसीना निकल रहा है। आप लोग भी थोड़ा सा मतहरक होकर बैठे, एनर्जेटिक होकर बैठे। क्या इनमें से लोग जो कहते हैं कि कुंडली स्पिरिट से ऐसे होता है, तो क्या ये पानी पे तैरे कभी?
तो यीशु कह रहा है कि तुम मुझसे बड़े बड़े काम करो, क्या किए जाने किए किए ये कहते हम कर रहे हैं। अरे भी तू कहां कौन होता करने वाला, आपको किसने कुंडली स्पिरिट ने अख्तियार दिया? तो फिर जिसका नाम ही कुंडली स्पिरिट का क्या नाम है, सैटन स्पिरिट है, तो सैटन स्पिरिट था उसके काम भी शैतान जैसे होंगे। अब मैं आखिरी वाला कह के कलाम को बंद करूंगा, बिजली ना चली जाए। तो अब मैं देख रहा हूँ कि पालूस रसूल जब दमिश्क की राह पर जा रहा है तो रास्ते में क्या वाकया हुआ, वो गिर गया, वो अंधा हो गया। वास तो बाकी सब ने देखा, लेकिन देखा सिर्फ उसी ने। उसके बाद इतनी आग थी, रोशनी थी, वो चुंदे आ गया। और उसके बाद खुदावन ने किसको भेजा, हननिया को। ये 11 से इमाल 9 बाब 11 से 19 आयत तक का ये वाला है। और उसके बाद जो है हम ये देखते हैं कि जब उसने हननिया ने हाथ रखे तो हननिया ने हाथ, उसके गुनाह भी माफ हो गए और उसकी आंखें भी खुल गई और वह रूह कुदस से भर गया और उसी वक्त उसने कलाम सुनाना शुरू कर दिया। तो कुछ सीखा लिया, जोर से बोलिए, आपकी तालियां बताएगी। हालेलुया, हालेलुया। मैंने आज पूरा मैसेज नहीं सुनाया, आधा मैसेज सुनाया। इससे पहले कभी आपने ऐसा मैसेज सुना तो आप जरूर जो है घर जाके फेसबुक पे अपने कमेंट्स देना, और लोग जितने कमेंट्स होंगे उतनी हमारी रीच ज्यादा होगी, उतनी आवाज जो हमारी दूर तक जाएगी, उतने ज्यादा लोगों तक जब हमारी जो वीडियो है वायरल होगी। हम अपना अपना हिस्सा डालें, मैंने तो अपना जो हिस्सा डालना था डाल दिया है, अभी आप लोगों की बारी है। जो आगे बैठे हैं, जो क्वायर में बैठे हैं, जो बाहर बैठे हैं, सारे हम सब की ये ख्वाहिश नहीं चाहिए, हम इस ग्रुप का हिस्सा हैं और हम मिलके रहेंगे, ऐसे रहेंगे। हालेलुया। और आगे अपने और लोगों को, फैमिली को, बच्चों को आप ये इनवाइट करें ताकि ये जगह खाली ना रहे और हमें हर फ्राइडे नए से नया मैसेज मिले। खुदा आज के कलाम के वसीला से हम सबको ढेरों बरकत अता करे। आमीन, आमीन। आइए हम अपने इस कलाम की शुक्रगुजारी के लिए और बीमारों के लिए